हाँ क्या फेसबुक फेसबुक के है? हाँ छोटे होते देखे उन्हें। गुड इवनिंग मैम। प्लान स्टार्ट करें भाई। होमवर्क जो क्वेश्चन दिया था वो हो गया था? होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था? क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क क्वेश्चन, अगर 10% चेंज हुआ है तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, अगर लेंथ 10% से चेंज हुई है। क्या है होमवर्क क्वेश्चन चेक करो।
इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अरे तो ये बताओ रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालो। मैम स्क्रीन शेयर तो आया था, स्क्रीन शेयर नहीं है मैम आपकी। एक सेकंड, लोग आंसर तो बताओ इतने क्या फाइंड किया। अमनदीप कवर सिंह, हर्ष, जसप्रीत, नाक्षी, नेहा, ओजस, यश, सुहानी। होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो फिर क्या ही फायदा बताओ। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसकी लेंथ L है तो इनिशियली मान लो ये कंडक्टर है, इसके पास लेंथ है L, इसके पास लेंथ L है तुम्हारी, ओके तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इनिशियली L अपॉन A। अब तुमने इस लेंथ को क्या किया भाई, 10% से चेंज कर दिया, तो जो L डैश है वो कितना हो जाएगा, L प्लस L N बाय 100 L, ये कितना हो गया L प्लस 0.1 L है ना, तो लेंथ कितनी हो गई तुम्हारे पास 1.1 L, ये हो गया तुम्हारा। तभी क्या करो, वॉल्यूम में चेंज कर लो इस टर्म को, हमें आता है ना करना, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन बी, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से डिवाइड, तो आर डैश कितना आ गया, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम में क्या कोई चेंज आएगा, मुझे बोलो नहीं आएगा राइट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो तुम्हारा आर डैश अगर लिखेंगे डेल आर डैश अपॉन इनिशियली आर इक्वल्स टू डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, प्लस टू डेल एल डैश अपॉन एल प्लस डेल वी अपॉन बी। देखो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा नहीं, सिग्मा में कोई चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, कितना आर डैश, तो आर डैश कितना आ गया देख लो, टू टाइम्स ऑफ डेल एल डैश बाय एल, कितना है ये 1.1 L, 1.1, तो ये कितना हो गया 2.2, 1.1 into 2, ये L square है ना, एक सेकेंड, 1.1 आया है तो डायरेक्ट भी तो लग सकते हैं हम, R equals to R2 by R1 directly, एल ये है ना, डिवाइड कर दो जो तुमने अब ये आर डैश निकाला है ना, इसको अब डिवाइड कर दो, यहाँ पे नया आर डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, रो एल डैश कितनी होगी 1.1 एल अपॉन एरिया, आर ये है तुम्हारा एल स्क्वायर अपॉन ए, तो
तो आर डैश बाय आर को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू डिवाइड कर दो, तो आर डैश अपॉन आर, तो सिग्मा से सिग्मा सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1.1 एल स्क्वायर है ना, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.1 का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, दो एल स्क्वायर बन गया, तो 1.1 स्क्वायर, ये एल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो आर डैश कितना आ गया 1.1 कितना आ गया 1.21 आर, इस तरीके से क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, एल डैश निकाल लिया कितना आया 1.1 ऑफ एल, तो एल स्क्वायर अपॉन वी में वैल्यू रखो, तो एल की वैल्यू 1.1 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1.1 स्क्वायर एल स्क्वायर, इक्वेशन और वन और टू को डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा आर डैश आया कितना 1.21 आर, मुझे क्या निकालना है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होगा, आर डैश माइनस आर अपॉन में किससे डिफरेंस निकालेंगे आर से इनटू 100, तो 1.1 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिखती हूँ 0.21 आर अपॉन आर इनटू 100, तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया तुम्हारा, ये 21%, तो 21% इज आर, तो क्या है, जब भी अगर 5% से ज्यादा हो तो हम लोग को डेल आर बाय आर वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, हम लोगों को ये वाला मेथड यूज करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट ये कर लो वॉल्यूम में और एल डैश निकाल लो बाय दिस और डिवाइड कर दो, ऐसे आंसर आ जाएगा, तो ज्यादा मैथमेटिक्स है, ज्यादा कुछ है नहीं, अगर चाहते हैं अगर इसका भी तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दो, तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज अगर ज्यादा है तो लिखवा दो, अगर परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, एक सेकंड, भाई फॉर्मूले तो मुझे भी डटे नहीं रहते, फॉर्मूले तो मुझे भी ढूंढने पड़ेंगे, एक सेकंड, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, x क्या है, जो तुम्हारी चीज चेंज हुई है, ठीक है, जैसे बायर को x परसेंट से चेंज कर दिया तो इंक्रीज कितने कितने परसेंट बढ़ गया वो आ जाएगा, देखना करना एक बार, x की जगह 10 रखो कितना आ रहा है, x की जगह 10 रखो 20 प्लस 21% आ गया सीधा, यस यस मैम, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये तुम कभी भी लगा सकते हो जब तुम्हारा परसेंटेज चेंज क्या हो, मतलब डिपेंडेंसी देख लेना, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस, अब लेंथ पे डिपेंड कर जाएगा क्योंकि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, तो ये इस रेजिस्टेंस के लिए तो कारगर है ये वाला फॉर्मूला, तो क्वेश्चन नंबर 1 वायर की लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, जिसका जो रेजिस्टेंस गिवन है इस वायर का वो गिवन है तुम्हें 10 ओम, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है, अब क्या करा, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो फाइंड करो आर डैश, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, बताओ जल्दी करो, इजी चाहिए, नया रेजिस्टेंस बताओ,
आगे बढ़ते हैं, जल्दी कर दो फिर हम सीरीज पैरेलल पे जाना है। 16 आर मैम, 16 आर, और आर कितना है 10, कितना आ जाएगा 160। वेरी गुड, तो जो आर डैश आया है वो 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल आर, इनिशियल आर कितना है 10, तो आ गया तुम्हारा 160 ओम आंसर। वेरी गुड, अब एक टर्म देखो, यहाँ पे एक टर्म हमारी मोबिलिटी रह गई थी, हमने मोबिलिटी नहीं पढ़ा था ना, बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब पढ़ लिया था, एक टर्म रह गई थी मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, अब मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, उसके बाद जो तुम्हारे मोबाइल चार्ज जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, उन दोनों का रेशियो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होती है? तुम्हारी मोबिलिटी। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला है मोबिलिटी का, वीडी बाय, याद कर लेना ये, बस ये इतना सा फॉर्मूला है। अब आ जाओ सीरीज पैरेलल पे। क्या है? देखो सीरीज और पैरेलल, जब दो रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाएंगे तो कब कहा जाएगा कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, कि मान दो रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस ये दूसरा, तो कब बोलेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस सीरीज में है? जब इनके एंड पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट एक साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे का एंड पॉइंट एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में क्या बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं अगर यहाँ से इन दोनों को अगर एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, सपोज कर यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई, अब इस सर्किट में करंट जाएगा, तो देखो इस रेजिस्टेंस के पास भी कितना करंट गया आई, और जो सेकेंड रेजिस्टेंस है इसके पास भी कितना करंट गया आई आई, तो सीरीज में जब रहेगा तो दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो कैसा रहेगा, सेम ना, इन सीरीज तुम देख रहे हो खुद ही, सीरीज में आप करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, सेम, क्योंकि सर्किट में भाई यहाँ से करंट एंटर किया, कहीं पे करंट डिवाइड हुआ नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम, रेजिस्टेंस दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो करंट क्या होगा, सेम। अच्छा अगर पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। अब एक बार बताओ, करंट तो सेम है भाई दोनों में, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अलग अलग, R1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R2, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहने वाला है, अक्रॉस रेजिस्टेंस, हाँ, तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, अलग, डिफरेंट होगा। तो उन ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज है जब रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया है तुमने, सीरीज में, सीरीज में नेट। अब बात आई कि अच्छा ठीक है सीरीज में है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बताओ कि नेट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को बताइए, R1 और R2 दोनों मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है, तो मुझे बताओ कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। अब ये रिजल्टेंट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब है कि जहां मैंने ये दो रेजिस्टेंस लगाए हैं अलग अलग, मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं कि जिससे मुझे सेम अमाउंट का करंट मिल जाए, ठीक है, जो मुझे सर्किट में करंट आई मिल रहा है दो रेजिस्टेंस के लगाने से, मैं क्या करूं, मैं दो रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस भी लगा दूं, तो उसको क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। तो क्या कैसे निकालेंगे उस कॉम्बिनेशन को, देखो वी वन की वैल्यू कितनी है आई आर वन, वी टू कितना है आई आर टू, करंट कितना है सेम है। अब देखो ये V1 पोटेंशियल, ये V2 पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल A पॉइंट और B पॉइंट का टोटल पोटेंशियल कितना होगा बोलो, V1 प्लस V2, है ना, पॉइंट A और पॉइंट B का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल किसका होगा, ये V1 और ये V2, इन दोनों का सम, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये वैल्यूज पुट कर दी, I कॉमन आ गया, ये क्या आ गया R1 प्लस R2,
ठीक है, वी क्या है, आर इक्विवेलेंट, वी फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, वी इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। अभी आर इक्विवेलेंट क्या है कि मुझे सेम करंट मिलना चाहिए सर्किट में जितना मुझे ये दोनों रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो करंट तुमने सेम रखा और आर इक्विवेलेंट रख दिया, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, आर वन प्लस आर टू। यानी जब तुम्हारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तुमसे पूछा जाए कि आर इक्विवेलेंट निकालो तो कैसे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आर वन प्लस आर टू करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को डायरेक्टली एड कर दो, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, आर इक्विवेलेंट। का मतलब क्या है कि अब अगर तुम ये लगाओगी R प्लस, मान लो R1 की वैल्यू 1 ओम है और R2 की वैल्यू 2 ओम है, अब तुम इन दोनों को ऐड करोगी तो 3 ओम आ गया, ठीक है, 3 ओम आ गया। अब क्या है, अगर एक सर्किट में बस मैं 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, और मान लो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये सेम वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, मान लो वी वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, वी वोल्ट की बैटरी कितनी होगी, मान लो तुम्हारे पास, मैं मान लेती हूँ ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूला लगाओ, इसमें देखो वोल्टेज कितना आ रहा है, आई आई की आई मुझे नहीं पता, आर वन प्लस आर टू कितना है, ऐड हो जाएंगे तो कितना आया, 3 ओम, और वी कितना है, 9, तो आई कितना आ गया बच्चों, 9/3, 2 एम्पीयर सीधा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कितने 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अब इसको सेम 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अभी भी मुझे बताओ कितना करंट मिलेगा, V इक्वल टू आई आर से, दो एम्पीयर, सॉरी यहाँ भी 3 आएगा, 3 एम्पीयर, कितने का करंट मिला, 3 एम्पीयर, तो देख लो यहाँ भी तुम्हें 3 एम्पियर मिल रहा है और यहाँ भी 3 एम्पियर मिल रहा है, कैसे, क्योंकि R1 और R2 का तुमने R इक्विवेलेंट यूज किया है, तो R इक्विवेलेंट यूज करने पे सेम अमाउंट ऑफ करंट तुम्हें मिलेगा बैटरी से, ठीक है, ये था इसका एक यूज को, तो आगे चलो। जो समझाया था ये रख कर दे रही हूँ स्क्रीन पर, अगर सीरीज में जितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, जैसे इसमें 3 है, तीनों का ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 10 जुड़ जाएंगी तो 10 का ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली सीरीज में ऐड कर देने, क्या आएगा इसका, जल्दी बता दो, देख के ही बता दो, 12 ओम है, 12 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 12। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मान लो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, अब बात आई कि मैं पैरेलल में कैसे पता चलेगा कि पैरेलल में जुड़े हुए, तो पैरेलल में जब जुड़े होंगे ना, तो एक दूसरे के एंड से ऐसे कनेक्टेड होंगे, पहले कनेक्टेड थे एक पॉइंट रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट था, है ना, अब ये एक कॉमन पॉइंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, पहले कैसे कनेक्टेड थे, इसका ये पॉइंट सभी दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ था, अब इसका एक पॉइंट पहले कॉमन पॉइंट से जुड़ेगा, इस रेजिस्टेंस का एक दूसरे से जुड़ेगा, तो इनको क्या बोला गया है, पैरेलल। तो देखो कई बार देख के नहीं पता चलेगा, मेन चीजें क्या है वो सुनो, कभी भी ये जो चीजें हैं देख के कभी नहीं पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगी देखो, कैसे मान लो मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये वी वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगा आई, करंट यहाँ पहुंचा, पहुंच गया, करंट यहाँ आया, तो करंट ने देखा मेरे पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, तो करंट बटेगा भाई, और करंट पार्शियलिटी तो करेगा नहीं, क्या मैं सिर्फ आर वन के पास जाऊंगा, टू के पास नहीं जाऊंगा, तो करंट दोनों के पास जाएगा, तो मान लो यहाँ करंट आई वन चला गया, यहाँ करंट चला गया आई टू, मतलब पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड, अगर रेजिस्टेंस तुम्हारे पैरेलल में है तो पैरेलल में करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जबकि सीरीज में क्या था, सेम रह रहा, हाँ सेम था, पैरेलल में करंट डिवाइड हो गया। अब वोल्टेज की बात देखो, दो ही चीजें हैं, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो ही चीज चलेंगी, वी आई और आर, इन तीनों पे पूरी रामायण लिखी हुई है। अब करंट तो तुमने देख लिया, ठीक है मैम, अलग अलग हो गया, डिवाइड हो गया, अब बात आई पोटेंशियल की, तो मुझे बताओ ये पॉइंट, अगर मैं इसको नाम, ये ए पॉइंट, ये पोटेंशियल ए और ये पोटेंशियल बी, अब रेजिस्टेंस आर वन देखो,
ये कितने पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये मान लो ये पोटेंशियल बी हो जाएगा, ये जीरो, ये पोटेंशियल बी हो गया, ये पोटेंशियल जीरो पे हो गया। अब यहाँ पे देखो ए पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, बीच में कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं हो रहा, देखो कहीं पोटेंशियल खाएगी क्या कोई, पोटेंशियल कब घटेगा जब कहीं पे रेजिस्टेंस आएगा, है ना, रेजिस्टेंस क्या करेगी, अपोज करेगी तो पोटेंशियल को खा जाएगी। अब ये तो सीधी लाइन है, यहाँ तो कोई पोटेंशियल बच्चों है ही नहीं, कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा, तो सेम ए पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल रहेगा, बी पोटेंशियल। ऐसे यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, खुद बताओ क्या आर वन और आर टू का पोटेंशियल अलग अलग है कि सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ए का पोटेंशियल आर, आर टू का पोटेंशियल भी ए है और आर वन का पोटेंशियल भी ए भी है, तो दोनों सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा अक्रॉस द एंड सेम रहेगा। तो तुम्हें एक चीज और यहाँ पे समझने की है कि पोटेंशियल तो सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि जब पोटेंशियल कब ड्रॉप होगा, जब कोई भी चीज ऐसे रोकने वाली आएगी करंट को, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस अपोज करेगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस पोटेंशियल को खा जाएगा, तो रेजिस्टेंस के पास जो है पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है, तो यानी अलग पोटेंशियल होगा। पर जैसे ये वायर कनेक्टेड है ए से, ये बी वायर जो कनेक्टेड है, इस वायर में अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी बी रहेगा, क्योंकि कहीं पे पोटेंशियल बीच रास्ते में ड्रॉप नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो रहेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, दो तीन तीन चीजें बताइए, तीनों क्लियर है? Yes. एक तो पोटेंशियल करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा और पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल में, तीसरा पोटेंशियल तभी ड्रॉप होगा जब उसको अपोजिशन मिलेगा, तो अपोजिशन से रेजिस्टेंस से मिलेगा, सिंपल वायर्स कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो अभी निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, तो पोटेंशियल तो सेम है पर करंट अलग अलग है, आई वन प्लस आई टू, तो टोटल आई करंट किसके बराबर हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू के। आई वन कितना है बोलो, बाय दिस फॉर्मूला बी इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल सेम है, क्या लिखूं, बी अपॉन आर वन, पोटेंशियल भाई आर टू का भी सेम है तो क्या लिखें, बी अपॉन आर टू, आर टू में आई टू करंट जा रहा है ना, तो देखो यहाँ बी अपॉन आर टू, यहाँ बी, आई को क्या लिखते हैं, बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बराबर एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो बी से बी कट जाएगा तो वन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन, तो अभी तो दो हैं, अगर एक और होता तो वन प्लस आर थ्री, एक और होता तो वन प्लस आर, पैरेलल में कैसे होंगे, अपॉन में। क्लियर है? यस मैम। ये आई वन प्लस आई टू, ये पूरी तुम्हें यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाया, थैंक यू। तीन रेजिस्टेंस हो गए, तीन करंट डिवाइड हो जाएंगे, तो देखो अब आई जो है पहले दो में बट रहा था, अब तीन ब्रांच में जाएगा, है ना, आई अब भाई पार्शियलिटी तो करेगा नहीं कि भाई मैं दो में ही जाऊंगा तीसरी में नहीं जाऊंगा, तो करंट को अब क्या करना है, तीनों रास्तों के थ्रू होते हुए जाना है, तो तीनों रास्तों में करंट गया, तो अब टोटल जो करंट ये आई है, ये आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तीनों में बटेगा, तो तीनों में बटेगा तो क्या, वी वन बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री, क्योंकि बी बी टू लिया है सब तीनों में, क्योंकि बी क्या है, पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस का सेम, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन करो ये वाला, टू बाय नाइन कितना, 2/9 एम्पीयर, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 9 एम्पीयर,
1/45 एम्पियर होगा मैम। मैम 30 ओम 20 सबके अलग अलग आ रहे हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। करंट एंटर कर रहा है ऐसे, करंट यहाँ पहुंचा, करंट सदमे में क्योंकि दोनों तरफ बटना है, यहाँ गया और यहाँ गया है, इस तरीके से चला गया करंट। डायग्राम कैसा है भाई, मुझे एक कितना भी वाला डायग्राम का भी, एक सेकंड अभी ज्यादा लास्ट में है ना। हेलो मैम। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग बच्चों, मैम मुझे एक अनाउंसमेंट करना था स्टूडेंट्स के साथ ना। ठीक है मैम। बच्चों आप लोगों का संडे में टेस्ट है, आप लोगों को पता है ना फिजिक्स के एक चैप्टर का है। यस मैम पता है। आप लोगों को पता है ना बेटा, आप लोग ना एक चीज का ध्यान रखो, आप लोग क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो और मतलब उसमें ना बहुत, मतलब सभी बच्चों के लिए नहीं बोल रहे मैं, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स एक दो मिनट के लिए अटेम्प्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को टेस्ट का मतलब है उसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करो, आप लोग अपने आप को इवॉल्यूएट करो, सेल्फ इवॉल्यूएशन जरूरी है। देखो हम आप लोगों के साथ रिपोर्ट्स भी शेयर कर रहे हैं टेस्ट की, कि आप जो है कितने टाइम तक उसको मतलब देखते हो, मतलब कितना एक क्वेश्चन में टाइम दे रहे हो, आपको यही तो सब जज करना है, तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग आप लोग जो है पूरा वो कीजिए। आपका टाइम स्टेम बहुत कम आ रहा है, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं सिर्फ उसको अटेम्प्ट करके छोड़ दे रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो भाई? कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, मैं सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ, हिमाचल के बच्चों के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, पंजाब के भी, ठीक है, जितने उत्तराखंड के भी होगा एक दो स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ। बच्चों आपका टेस्ट देने का मतलब ये होता है इवोल्यूशन, सेल्फ इवोल्यूशन, और टेस्ट से डरना नहीं है। अभी तो मानिए आप लोगों ने जेईई मेंस का एग्जाम देना है जनवरी में, तो बच्चों कितने बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे? देखो 30 बच्चे हैं आज प्रेजेंट, 30 में से कितने बच्चे टेस्ट देंगे? अभी तो सब बच्चे देंगे, बार बार कॉल करने से नहीं होता है बेटा, जब लिंक आ जाता है, लिंक ओपन हो जाता है तब सभी लोग तभी अटेम्प्ट किया करो। हाँ ये नहीं है कि तुमने ओपन किया, 5 मिनट टेस्ट देखा और टेस्ट देख के तुम्हें लग रहा है कि टेस्ट तो टफ है, देख के ही तुमने एनालाइज कर लिया। तो देखो देखने से सब चीजें टफ लगती है, जब तक खुद से करने नहीं बैठोगे तब तक टेस्ट नहीं होगा, है ना। तो टेस्ट ये नहीं है कि देख के ही टफ लग रहा है, सॉल्व करोगे तो जो क्लास में पढ़ रहे हो वहीं से टेस्ट आ रहा है, कहीं अलग से किताबों में से टेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टेस्ट देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो जितने हो पा रहे हैं, 25 में से अगर 10 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं तो 10-12 सॉल्व करो, टाइम लगाओ अपना, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सभी लोग टेस्ट दें, ठीक है, और अच्छे से टेस्ट को टेस्ट के तरीके से, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बच्चों बोलो। अच्छा हैंड रेज कर रहे हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। जो पता है टेस्ट तो तुम सब लोग दोगे, पर टेस्ट पढ़ के देना। अगर देखो सिर्फ ऐसे टेस्ट दे, टेस्ट है संडे को दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है, तब तो देखो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो पढ़ा है, तुम्हें जो पढ़ाया है, मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ बैठ के, कल सैटरडे का टाइम है, आज की पूरी रात है, तो क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, तभी हो पाएगा। कल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे बाय द वे क्लास में, पढ़ के आना इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखो क्या हुआ, ये करंट आया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब आई करंट आ रहा था, यहाँ आई वन चला गया, यहाँ आई टू, ये आ गया तुम्हारा आई वन और ये आ गया आई टू, डिवाइड हो गया आई करंट, है ना। तो अब देखो यहाँ से तो आई वन चला गया और यहाँ से कौन सा करंट आएगा, आई टू, और ये जाके क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएंगे सारे। तुम देखो ये दोनों वायर्स किस में हो गई, डिफरेंट करंट है मतलब पैरेलल में। अब ये दोनों वायर्स इस वाले के साथ किस में हो गई, सीरीज में। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करो, पैरेलल कर दो और उन दोनों पैरेलल को फिर सीरीज में लगा दो। जैसे ये 30-30, ये 30-30 आपस में पैरेलल में है, करंट आया डिवाइड हो गया, तो दोनों पैरेलल, तो वन अप पैरेलल में क्या होता है, 1/30 प्लस 1/30, ये हो गया तुम्हारा 1/R इक्विवेलेंट, है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30/2 यानी 15 ओम, और ये 15-30 के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 45। यस मैम, एक सेकेंड, ये दोनों सीरीज में है। साठ और तीस, 30 को एक बार 1/60 प्लस 1/30 करना, अपॉन में रेशो लगा के 1/20। ठीक है, और आई कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी बाय आर इक्वल्स टू आई आर। तो वी तुम्हारा कितना है, 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो आई तुम्हारा आ गया 1/0.1। देख लेते हैं 0.1 है कि नहीं, कहां 0.1 होगा। देखो करंट आया, करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो दो ये दोनों आर्म्स किस में हो जाएंगी, जैसे करंट यहाँ से आया, ये आई टू करंट यहाँ से आ रहा था और ये तुम्हारा आई वन करंट यहाँ से आ रहा था, तो यानी ये दोनों आर्म्स तो पैरेलल में हो गई, 30 ओम और ये 30 ओम। अब यहाँ से जो आई वन आया वो एज इट इज चला गया, देखो ये आई वन आके यहाँ से चला गया, बट ये आई टू यहाँ से होके जाएगा इस वाली ब्रांच से। तो जो ये तीसरी वाली ब्रांच है इसमें कौन सा करंट है, आई टू करंट। तो इसका मतलब ये दोनों ब्रांच सीरीज में हो गई, तो 30-30 को क्या कर दो, पहले सीरीज में कर दो, और ये दोनों ब्रांच तुम्हारे इस 30 के साथ पैरेलल में हो गई। तो 30-30 सीरीज में 60 और उसके साथ 30 को पैरेलल में कर दो, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 20 ओम। 1/30 प्लस 1/60, दिस इज 1/20 यानी 20। तो आई कितना आ गया, वी बाय आर विच इज इक्वल टू 0.1। अभी तो अब कोई दिक्कत नहीं, तो हमेशा क्या करना है, ट्रायंगल वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करनी है, दो आर्म्स को पैरेलल करना है, या इन दोनों को सीरीज में करके इसके साथ पैरेलल में कर दो, वो अपने आप देख लेना, जिस अकॉर्डिंग तुम्हें करंट की डायरेक्शन जुड़ी हो उस अकॉर्डिंग करना। तीसरा क्वेश्चन करो, ये वाला करो, आई की वैल्यू निकालो। थ्री एम्पीयर। देखो ये कितना हो गया, 6 और 3 2 हो जाएगा, और ये 4 और 6 हो गए, है ना। कार इक्विवेलेंट अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 4 और ये 2,
आर इक्विवेलेंट आ गया 6, कितना हो जाएगा वी बाय आर, तो 18 बाय 6 कितना आ गया 3 एम्पीयर, राइट। तो योर करेक्ट आंसर इज 3 एम्पीयर। अब देखो, अब हम कुछ और तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। सीरीज पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले तो। सीरीज पैरेलल निकालते हैं ए और बी के अक्रॉस, ये तुम्हारा 4, ये 4 और ये 3, 6, 4, ए और बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालो, फाइंड आर इक्विवेलेंट। इतना बड़ा तो नहीं था, स्टेप वाइज सॉल्व करो, पहले 3 और 6 को करो, फिर सिंपल ब्रांच हो जाएगी, फिर एक एक ब्रांच रिड्यूस होती चली जाएगी। मैम ए टू मार रहा है 12/5 है, 12/5 ओम ना नो, पहले 3 और 6 को रिजॉल्व करो कितना आया, टू ओम, हाँ तो मैंने यहाँ 2 ओम लिख दिया, ठीक है ये 2 ओम बन गया तुम्हारा, ये 4 और ये 4, अब यहाँ पे तुम्हारा ये 3 ओम और ये तुम्हारा 4 ओम, सर्किट रिड्यूस। अब ये देखो 4, 2, 3, अब मुझे बताओ करंट जैसे भी आएगा इस ब्रांच में एंटर करेगा यहाँ पहुंचेगा, तो करंट मुझे बताओ 4 और 2 सीरीज में है या पैरेलल में, ये 4 और 2 सीरीज में है, 4 और 2 वेरी गुड सीरीज में है, तो अभी 4 और 2 कैसे हो जाएंगे, देखो ऐसे सीरीज में 6 हो गया और ये फिर कितना है यहाँ पे 3, तो 6 और 3 का पैरेलल कितना हो गया 2, दो है 2 हो गया, वेरी गुड। अभी फिर रिड्यूस कर लो इसको, क्या हो गया ये 4
और यहाँ पे तुमने मुझे बताया है दो आ गया, और ये फिर यहाँ पे क्या था चार, करो चार और छह और ये चार, जो कितना आया था चार और छह, छह और तीन, छह और तीन का कितना बनेगा वही आएगा, ठीक है। चार दो चार, अब ये चार और दो कितने हो गए, छह हो गए, सॉरी आई एम सॉरी भाई ये तीन हो गए, मैं गलती हो गई। अब निकालना कितना आया, तीन से चार दो हो गया ना, कितना ये तीन हो गया, ये छह और तीन कितना हो गया दो। और भाई अगर तुमने अगर ये चार मान के भी किया था तो छह बटे चार मैम 12/5 आता, 2.4 यानी ये आ जाता और ये तुम्हारा चार होता है ना, ये होता तुम्हारा चार, तो तुम छह चौक 24 और 10 तो 2.4 आता ना फिर। यस मैम 2.4 ही था, 2.4 बोला ठीक है, जिसने 2.4 बोला था वेल डन, तो जिसने 2.4 बोला था वेरी गुड, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट आ चुका है, बाकी इस अगर ऐसे करना है दिस आंसर इज 2। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये आर ये भी आर और ये भी आर। चलो एम एन यहाँ पे मुझे एम और एन के बीच में निकाल के बताओ, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एम एंड एन, ठीक है, एम एन के अक्रॉस निकालना है फर्स्ट सवाल, दूसरा मैं करती जाऊंगी, तुम बनाते जाओ, तुम सॉल्व करते जाओ। आर बाय थ्री तीनों पैरेलल में है, यस मैम। अरे ये सेकंड बताओ, ये भी सारे आर हैं, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, आर बाय थ्री दोनों का मैम, ठीक है वेरी गुड, इसका भी आर बाय थ्री और आर बाय थ्री, यानी तीनों पैरेलल हैं। पैरेलल का देखो कैसे पता चल जाएगा, ये पॉइंट एम तो ये भी एम, ये रेजिस्टेंस एन ये भी एन, तो तीनों का अक्रॉस रेजिस्टेंस देखो एमएन एमएन एमएन, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, तो ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम पोटेंशियल, इस वजह से क्या हो गया रेजिस्टेंस पैरेलल। अच्छा अब एक सवाल करिए, ठीक है तो ये पॉइंट तुम्हारा ए और ये पॉइंट तुम्हारा बी, चलो क्या करते हैं इस पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ए ये पॉइंट सीधी वायर से कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड सबका रेजिस्टेंस मान लो आर है,
फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी आर बाय टू ये देखो सेम वायर है सी डी वायर कितना आर आर नहीं देखो अब जब भी ये दिखाने मिले ना तो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी तो इसका मतलब क्या है ए और बी के अक्रॉस में बैटरी कनेक्टेड है तो ए और बी के अक्रॉस में सपोज कर लो बैटरी कनेक्टेड है करंट की डायरेक्शन तुम्हें लेके चलनी है तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा आई अब जैसे ही करंट ए पॉइंट पे पहुंचेगा ठीक है करंट क्या अब बाकी और कैसे भी कर सकते हो देखो सी और डी जो पॉइंट है मुझे तो ये एक वायर से कनेक्टेड है ना सिंपल वायर से कनेक्टेड चलो ये वाला ये चीज छोड़ो कनेक्टेड ये पॉइंट है सिर्फ ऐसे समझो सी और डी बच्चों एक वायर से कनेक्टेड है और मैंने तुम्हें क्या कहा था जब भी वायर से कनेक्टेड हो तो उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा है ना तो एक बार बताओ जो सी और डी है ये दोनों सिंपल एक वायर से कनेक्टेड है तो क्या सी और डी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा कि सी और डी सिंपल एक वायर से कनेक्टेड है तो सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है सेम हो जाएगा क्योंकि इस खुद की वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो मुझे बात बताओ क्या जो ये वाली जो ब्रांच है इसमें करंट फ्लो करेगा करंट का फ्लो करता है जब करंट का फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो सी से डी के बीच में जो भी ये रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है ये तो फालतू के हैं सी और डी के बीच में तो ये आर और ये आर ये सब फालतू के हो गए राइट तो तुम्हारे पास ये सी और डी कॉमन पोटेंशियल होगा क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा पॉइंट बी पॉइंट ए और ये क्या है तुम्हारा सी और डी क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है ऊपर वालों में करंट जाएगा ही नहीं ये आर और ये आर अब देखो करंट बैटरी में आया यहाँ से और ये दोनों सारा करंट इधर चला गया तो दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो गया तो देखो ऐसे ऐसे सवालों को क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब दो पॉइंटों का पोटेंशियल सेम होगा जैसे यहाँ पे सी और डी का सेम था जब पोटेंशियल सेम रहेगा दो पॉइंट्स का तो मतलब उनके अक्रॉस कनेक्टेड जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको तुम हटा सकते हो जैसे सी और डी के अक्रॉस कौन कौन से पोटेंशियल कौन से रेजिस्टेंस थे एक तो ये वाला आर मान लो आर वन और एक ये वाला आर मान लो आर टू ये दोनों रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कनेक्टेड थे सी और डी के अक्रॉस तो मैंने ये रिमूव कर दिया ठीक है कि कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा ठीक है आगे एक क्वेश्चन ऐसा है ये वाला देखो ये वाला क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर इक्विपोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर दो तो ये तुम्हारा सवाल ये है थ्री ओम सिक्स ओम टू ओम फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी
कितना आ रहा है? जीरो जीरो नहीं आएगा भाई, सेम पोटेंशियल देखो, सेम पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल तो देखो कौन कौन से पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हैं, वो चीज देखो। इक्वी पोटेंशियल देखो भाई, हम थ्री टू हम फाइव हैं एंड सिक्स जो पॉइंट है वो इक्वी पोटेंशियल पे। सारे बोल लो, एक दो चार छह सात, देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है तो बीच में कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो मतलब ये भी इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है ए। ये पॉइंट देखो बी पोटेंशियल पे है, ये पूरी वायर उठ के यहाँ जा रही है, बीच में कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या बोला है पोटेंशियल जब भी खाया जाएगा जब रेजिस्टेंस होगा, तो ये बी पॉइंट है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हो गया बी। तो देखो ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, 6 ओम वाला भी ए बी के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, ये 2 ओम वाला भी ए बी के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, तीनों के पोटेंशियल क्या हो गए सेम, तो यानी तीनों पोटेंशियल सेम यानी पैरेलल, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस मैम। तो जब ये वायर्स तुम्हें दिखे ना तो इन वायर्स के अक्रॉस चलो, तो देखो वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जितना इस पॉइंट का है उतना ही इस वाले का हो गया, जितना इस पॉइंट का है उतना ही फिर तुम्हारा इस वाले का होगा, तो कितना आया करो सॉल्व इसको। हाँ जी बताओ कितना है, वन। हाँ चलो दूसरा भी करो ट्राई करो। अरे तो ये भी क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वी पोटेंशियल का, ठीक है तुम्हें खुद देखना है कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है या नहीं। ठीक है रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लो, ये आर वन है, ये भी आर वन है, नहीं ये आर टू, ये R1 और ये भी R1, ये R1, 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 ये R2 और ये R2, मतलब जो कनेक्टिंग वाले हैं वो R2 है, जैसे ये कनेक्ट कर रहा है ये भी R2, ये पॉइंट इसको कनेक्ट कर रहा है ये भी R2, ये कनेक्ट कर रहा है ये भी R2, तो वैल्यू लिख देती हूँ। R1 की 10 ओम है और R2 की है तुम्हारे पास 20 है, फाइंड करो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है इसके बीच में निकालना है ये तो पूछ लो, बिटवीन ए एंड डी, ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये तुम्हारा पॉइंट डी है, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी, ज्यादा टफ नहीं है दिमाग लगाओ बस हो जाएगा, ऐसे पॉइंट फाइंड करो जो जो सेम पोटेंशियल पे हैं, अगर सेम पोटेंशियल पे होंगे तो रेजिस्टेंस उड़ा दो, ठीक है।
मैम 50 ओम 50 नहीं 10 ओम है ए और डी के बीच में। ए और डी का मतलब क्या है कि सपोज करो बैटरी मतलब करंट ए से निकलेगा, तो सपोज करो यहाँ से करंट निकलेगा तो कुछ करंट मान लो करंट आई वन यहाँ चला गया और आई टू सपोज करो इधर चला गया, ठीक है। तो आई वन जब देखो यहाँ पहुंचा और आई टू जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। अब ये देखो ये रेजिस्टेंस भी आर वन है, ये रेजिस्टेंस भी आर है, मतलब दोनों में सेम करंट डिवाइड होगा, है ना। अच्छा उससे पहले मुझे तुम्हें करंट डिविजन भी तो सिखाना पड़ेगा। सपोज करो कि यहाँ से ए से जो करंट गया यहाँ पे भी सिमिलर करंट गया और ये जो ये वाली आई टू ब्रांच है इसमें भी सेम करंट जाएगा, ठीक है। तो आर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और आर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये देखो सेम लाइन ही है ना, इस वाली लाइन से मिला था। ये सेम है। अब ये जो R2 के पास ये यहां से जो आ रहा है ये I2 के पास से जो करंट आएगा और ये R1 के पास से जो ये करंट आ रहा है ये सेम करंट आ रहा है ना। तो अब इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा ये E और F, बताओ सेम नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो ये वाली अब देखो जो ब्लू ब्लू से है तो ये वाली ब्रांच ई और एफ पॉइंट देखो आर वन के पास जो पोटेंशियल ये भी तो तुम्हारा कितना था आर वन ही था ना, ये भी आर वन था, आर वन ये भी पोटेंशियल आर वन और ये भी रेजिस्टेंस आर वन और करंट दोनों में कितना आ रहा है ये आई वन और ये आई वन, मतलब सेम करंट है और सेम रेजिस्टेंस है ना। तो ई और एफ का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो यानी ये वाला ब्रांच तुम रिमूव कर सकते हो। अब देखो ऐसे ही अब इनसाइड वाला ट्राइंगल देखो, जब इनसाइड वाला ट्राइंगल है ये रेजिस्टेंस यहाँ से करंट आया और यहाँ से करंट आया, ठीक है। तो अब दोनों रेजिस्टेंस ये भी आर वन रेजिस्टेंस और ये भी आर वन रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस सेम है तो मतलब और करंट भी बराबर बराबर बटेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इन दोनों के अक्रॉस भी सेम। तो ये अगर पॉइंट बोलूं डी और ये पॉइंट बोलूं ई, इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होने वाला है सेम। इसको क्या कर दो ये ब्रांच को भी कट कर दो। देखो वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो अभी एक अब करंट डिवाइड होगा तो करंट भी सेम होगा डिवाइड ए पॉइंट पे। देखो सोचो ए पॉइंट पे है करंट डिवाइड होना है, ठीक है। जो ये आर वन है और क्या है तुम्हारा ये वाला आर वन, ये दोनों सेम है तो करंट भी जो डिवाइड होगा ये जो ब्रांच आई वन और आई टू बनाई है ये भी सेम ही है तो करंट डिवीजन भी सेम ही होने वाला है और पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम, तो यानी ई और एफ पे सेम पोटेंशियल और इस पे सेम पोटेंशियल, तो ये दोनों ब्रांच रिमूव कर दो। अब सवाल सॉल्व करो दोनों ब्रांच को रिमूव करने के बाद। देखो मैं रिमूव कर देती हूँ ये ब्रांच। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं पर जब बाकी के तरीके भी हम लोग करेंगे। अब इक्विपोटेंशियल से कर रहे हो तो इक्विपोटेंशियल से सीखो, ये हट गई। अब करो अब कैसे कैसे ये देखो ये R1 और ये R2 सीरीज में हो जाएंगे, अब करंट सीधा चला जाएगा। ये R1 और ये R2 सीरीज में हो जाएंगे तो ये 10 और ये 20 30, तो देखो एक ब्रांच ऐसी होगी पॉइंट ए से 10 ओम और जो ये इसके बाद सीधा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 30 ओम। यहाँ पे रहने दो आर टू कितना है 20, तो इसको 20 रहने दो, ठीक है। इस तरीके क्लियरली यहाँ पे ये बाहर वाली ब्रांच है ये कितना है 10
और ये अंदर वाली ब्रांच यहाँ पे फिर से कितनी हो गई, 30 हो गई। अब ये 10 और 30 बच्चों पैरेलल में दिख रहे हैं तुम्हें, ये 10 और ये 30 दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, इनको पैरेलल में कर लो फिर 10 और 30 को कितना हो जाएगा 1/3। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, तो ए, और ये पॉइंट मान लो तुम्हारा ई है, तो ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये ए ई से कनेक्टेड है और ये बी डी से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये अगर एफ है तो ये ए एफ से कनेक्टेड है, ये डी एफ से कनेक्टेड है, इस तरीके से होगा। अब देखो इसको आगे सॉल्व करके, ए और डी के पास है ये आर टू बी है, ए और डी के पास आर टू है, ठीक, इन दोनों को 10 और 30 को ये कैसे हो जाएंगे भाई सीरीज में, और ये 10 और 30 सीरीज में कितने बच गए 40, ए और ये डी, इस तरीके से। तो मैं यहाँ बनाऊ अभी ए डी के क्रॉस आ जाएगा कितना 40, ए और डी कितना है 20, ये तुम्हारा 40 और ये 30 और 10 ये कितना आ जाएगा 40, टेन और 30 सीरीज में क्यों हुआ? देखो ये सीरीज में इसलिए होगा आर वन और आर टू सीरीज में है, अभी आर वन कैसे होगा सीरीज में कि हमें डी से करंट एंटर कराना है, ठीक है, डी से करंट ए और डी के बीच में है ना, तो ए से बैटरी में से करंट निकल रहा है, ठीक है, एंटर कहाँ करेगा डी पॉइंट पे, यानी ये सारे के सारे करंट ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो करंट आर वन से होते हुए आया ये पूरा का पूरा करंट आर टू और आर वन में जाके डी में एंटर हो गया, तो यानी ये तीनों सारे कैसे हो गए आपस में सीरीज में, देखो आर वन आर टू और आर थ्री, मैं दूसरा कलर लेते हैं रब करके, देखो ये कलर अलग दिख रहा है, ये देखो ए से सारा करंट आया, ये आया आर वन से होगा, आर वन से एग्जिट जा रहा है होते हुए, आर टू से होते हुए डी में एंटर कराना है क्योंकि बैटरी ए और डी के अक्रॉस है, तो आर टू जो करंट आर वन से आया वो यहाँ पे आर टू से होते हुए आर वन में जाके डी से एंटर हो गया, तो ये जितने भी आर वन आर वन आर टू, आर वन कितना था 10, ये था 20 और ये भी कितना था तुम्हारा 10 ओम, तो तीनों किसमें हो गए बच्चों सीरीज में, 10 और 10 20 और 20 40, तो यही सब सेम यहाँ पे तुम्हारा चलेगा 40 एडी बीच में एज इट इज। अब बताओ ये ए पे है, ये भी ए, ये भी ए और ये पॉइंट डी है, तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी, तो ये अब तीनों किसमें है पैरेलल में, तीनों को पैरेलल में करो मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है 40 20 और 40 को, तो 40/4 क्या आंसर आ गया 10 ओम, देख लो कितना मतलब है आ गया
पहले तो तुमने सिंपल से पॉइंट्स निकाले जो तुम्हारे कॉमन पॉइंट्स थे, उसके बाद सबसे पहले बैटरी का देखना है कि ए से करंट निकलेगा इस तरीके से और फिर वापस एंटर। देखो अब मैं दूसरे पेज पे तुम्हें आराम से समझाती हूँ। तुम्हारा ये था ए और डी, इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बाद तो नहीं समझाना ना, इक्विपोटेंशियल तो नहीं समझाना, समझ में आया? नो मैम। हाँ, हाँ उसके बाद से देखो। ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना था, 10 था, ये एक 10 था और एक 20 था। सिमिलरली ये भी एक 10, एक 20 था और एक 10। अब बैटरी थी भाई ए और डी के बीच में। ए और डी के बीच का क्या मतलब है कि एक पॉइंट से करंट निकलेगा और एक पॉइंट से करंट, देखो ये बैटरी है ना, ए और डी के अगर मैंने बीच में बैटरी लगाई, मान लो ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा, इनके बीच में ये बैटरी लग रही है, तो एक पॉइंट से तो करंट निकलेगा फिर वापस जाके एंटर कर जाएगा डी में। तो समझ लो ए से एंटर कर रहा है और डी से, ए से एग्जिट कर रहा है डी में एंटर। तो ए से एग्जिट किया, सपोज करो आई करंट निकला तो आई यहाँ चला गया और आई करंट यहाँ, क्योंकि सेम करंट क्यों गया है, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस है इसलिए। ओके आई करंट गया भाई यहाँ होते हुए, अब ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, अब डी पे तुम्हें वापस भगाना है इस करंट को, तो देखो यहाँ पे भी तो आई करंट जा रहा है और ये एंटर कर गया यहाँ पे, अब यहाँ से आई करंट निकला यहाँ पहुंचा, अब ये आई करंट दोबारा यहाँ से एंटर कर गया, तो देख लो तुम सारी ब्रांच में सेम करंट जा रहा है कि नहीं। तो इनको मैंने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 20 30 40 20 30 40 और एडी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये था 20, ये था तुम्हारा 10 और ये था तुम्हारा, और ये कितना था 40, ये भी 40 और ये पूरा एडी के अक्रॉस कनेक्ट हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बैटरी की सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर पॉइंट ए और डी है ना, तो सोच लो कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो एक पॉइंट से निकलेगा और सबको एंटर करा देंगे, ठीक है, हो जाएंगे? यस कोई बात नहीं। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तुम्हें बस सोचना ही है। जैसे अगर स्टार्टिंग का इसमें शुरू से देखते, अगर मैं इसको अब दोबारा तुम्हें बना के दिखाऊं तो अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर मैं दोबारा बना दूं एक सेकंड, कोई जाएगा नहीं, ठीक है, समझ के एक बार पूरा ढंग से समझ जाना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और क्या था यहाँ पे, एक डायग्राम पढ़ा, तिरछा डायग्राम, अब देख लो ये ए और ये तुम्हारा डी, तो ये सेम रेजिस्टेंस थे 10 और ये भी सेम रेजिस्टेंस था 10। तो अब ए से जब करंट निकलेगा तो तुम बताओ करंट बराबर बटेगा कि अलग अलग बटेगा? भाई करंट ए पॉइंट में पहुंचा, अब ए पॉइंट में पहुंचने के बाद उसको दो रास्ते दिखे, एक का भी रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट बताओ सेम अलग अलग रेशो में जाएगा कि सेम रेशो में जाएगा? अलग अलग B equals to IR है ना, ठीक है, अब resistance same है, अब A point का, अब A point से जो current बटेगा बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि resistance के ratio पे depend करेगा current, current बराबर बटा, ठीक है भाई current बराबर गया, मान लो यहाँ से भी I current जा रहा है। अगर तुम्हें अभी नहीं भी पता है, सुनो अगर नहीं भी पता है कि current कैसा जा रहा है, मान लो ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, ठीक है, तुमने देखा कि करंट I1 गया, फिर यहाँ पर जो करंट
कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, 10 ओम से आई गया है जरूर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अब आई टू यहाँ से 10 ओम से गया है तो जरूर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अब करंट का रेशियो जानना क्यों जरूरी है कि सेम बटेगा कि अलग अलग बटेगा, इसलिए क्योंकि तुम्हें ये वाली ब्रांच रिमूव करनी है। अगर तुमने अलग अलग करंट बांट दिया तो तुम ये वाली ब्रांच रिमूव ही नहीं कर पाओगे, पर जिसने सेम करंट बांटा होगा, देखो आई आई, उसे पता है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, तो सेम पोटेंशियल पे तुम ये वाली ब्रांच को क्या कर दोगे, खुद से रिमूव। अब करंट पहुंचा ई पॉइंट पे, सुनो, अब करंट पहुंचा ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे मैं बताती हूँ क्या रेजिस्टेंस था, आर टू, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था आर टू। अब करंट यहाँ पे एफ पॉइंट पे पहुंचा, अब आर टू के अक्रॉस करंट यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट फिर से क्या होगा, देखो दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी सेम है, ध्यान देना आर टू सेम है, तो इसका मतलब जो करंट जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो बराबर हो रहा है, तो इसीलिए ये जो सी डी पॉइंट, सी और मान लो ये क्यू पॉइंट है, ये भी पोटेंशियल सेम पे, ये ब्रांचेस रिमूव हो गई तुम्हारी, है ना। बोलो तुम खुद देखो, ये भी आर टू, ये भी आर टू, मतलब सेम रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं, कि यही कि बच्चे एनालाइज कर पा रहे हैं कि करंट बराबर ड्रॉप हो रहा है ना, करंट बराबर ड्रॉप मतलब स्प्लिट हो रहा है, और जिसकी वजह से पोटेंशियल भी बराबर ड्रॉप होगा, तो मैं ये आर्म रिमूव कर सकती हूँ, ये कर दी मैंने आर्म, ठीक है। अब आर्म रिमूव होने के बाद अब देखो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, डी में तुम्हें करंट को बैक लेके जाना है, ठीक है, डी को करंट लेके जाओगे वापस, तो आई करंट ई पॉइंट पे आया, अब कोई रास्ता ही नहीं है, तो सारा करंट कहाँ जाएगा, ये पूरी ई से लेके डी वाली ब्रांच पे, तो सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा, आई करंट फ्लो नहीं कर रहा पूरी ब्रांच में, देख लो यहाँ से आया और ई से होते हुए डी में चुप चला गया, अब आई ए से निकला, एफ से जाके फिर ये पूरा करंट डी में चला गया, देखो तो जितना करंट ए से निकला सारा करंट डी पॉइंट पे वापस चला गया, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और हम बहुत क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हें अभी एनालाइज और अच्छे से कर पाओ, ठीक है। मैम ए से करंट तीन हिस्सों में नहीं जाना चाहिए, मैम मिक ए से करंट तीन हिस्सों में नहीं जाना चाहिए, ए से डी सीधा और एक आई बना, नहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि ए और डी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से करंट एग्जिट होगा वो तो दूसरे से एंटर होगा, तो तुम बोल रहे हो कि ए के जो ये करंट जो आएगा यहां से, ये ए करंट पर यहाँ पे भी जाएगा, और डी का रेजिस्टेंस कितना था मैं देख लेती हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस था भाई आर टू, आर टू की वैल्यू थी मेरे पास 20, मतलब ये वैल्यू कुछ अलग होगी, ठीक है, ये होगा। अगर तुम ये मान के भी चल रहे हो कि यहाँ पे भी करंट जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई अलग तरीके से तुम मेथड लगाओगे, कोई नहीं, मान लो अब भी ये वाला जो करंट आई आई है ये बराबर ही बटेगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है 10-10, इनके पास जो रेशो आएगा वो सेम आने वाला है, ठीक है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं, बेशक ए और डी के बीच में करंट जरूर जाएगा पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारा, अब मान लो तुमने दूसरा भी करंट ले लिया विच इज आई टू, अब भी तुम देखो डी पॉइंट पे टोटल करंट कितना जाना चाहिए, जितना बैटरी से निकला है, तो बैटरी से तुम्हारे में ए से करंट कितना निकला, आई प्लस आई टू, अब खुद देखो डी में एंटर भी कितना कर रहा है, यहाँ से पूरा आई आया, यहाँ से पूरा आई आया, और यहाँ से ए में पूरा डी एंटर कर गया, तो जितना ए से निकला सारा का सारा करंट डी में जाना चाहिए, मेन चीज तो यही है, बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही वापस जाना चाहिए, वो तो सारा वापस भी जा रहा है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो वी विल डू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, जिससे तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं एक ही क्वेश्चन में। अगले चैप्टर में जो मैंने तुम्हें ये अगले में क्या करेंगे, जो मैंने तुम्हें बताया ना करंट बच्चों सेम क्यों डिवाइड हो रहा है, अगली क्लास में हम यही सीखेंगे कि करंट सेम क्यों डिवाइड हुआ, ठीक है, तो अगली क्लास में करंट डिवाइड रेशो पढ़ेंगे, तो अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन कर लें, ओके।
बाय बाय एवरीवन, बाय बाय मैम।